अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 11। इस लेक्चर में हमने देखना है कि हम दो नंबर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं थ्रू वेरिएबल्स के। तो अब आप चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर वही है, ठीक है, हैश इंक्लूड एसटीडीआईओ डॉट एच। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए कि ये हमारे पास लाइब्रेरीज है और इनका काम ये है कि एसटीडीआईओ डॉट एच के अंदर हमारे पास प्रिंट एफ का फंक्शन मौजूद है। उसके बाद मेन का आपका फंक्शन, ठीक है, मेन आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेन के बगैर काम नहीं होता। और उसके बाद ब्रैकेट्स डालनी है, इसके ब्रैकेट के अंदर प्रोग्राम की बॉडी के अंदर बाकी हम सारा काम करेंगे अपना। अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, देखें हम दो नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए है दो नंबर जिनको हमने ऐड करना है। लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि हम 5 और 10 को ऐड करें, ठीक है। 5 को हमें एक 5 चाहिए, एक 10 चाहिए, और ऐड करके ये किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर होंगे। यानी इसके लिए भी मुझे एक वेरिएबल चाहिए, इसके लिए भी एक चाहिए, और इसके लिए भी एक चाहिए जिसमें मैं आउटपुट को डिस्प्ले करवाऊंगी। तो इसी तरह मैंने इंटीजर टाइप के तीन वेरिएबल्स ले लिए हैं, नंबर 1, नंबर 2, और एक जिसमें हम उसके सम को डिस्प्ले करवाएंगे। तो याद रखिए कि इनको कॉमास के थ्रू सेपरेट करवाएंगे आप अगर मल्टीपल वेरिएबल्स ले रहे हैं सेम ही डाटा टाइप के, क्योंकि नंबर 1, नंबर 2 और सम सब की डाटा टाइप इंटीजर ही है। तो इनको सबसे पहले आपने डिक्लेयर करवा दिया और यहाँ पे सेमी कॉलन डाल दिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि नंबर 1 में कोई वैल्यू डालनी है। नंबर 1 इज इक्वल टू 5, मैंने नंबर 1 को कोई वैल्यू दे दी, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, जिसकी डाटा टाइप इंटीजर हो, यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हैं। मैंने नंबर 1 को 5 दे दिया और नंबर 2 इज इक्वल टू 10 के इक्वल कर दिया। अब मैं इन दोनों को देखें ऐड कैसे करूंगी। जो मेरा थर्ड वेरिएबल है सम, तो मैंने सम इज इक्वल टू नंबर 1 ये वाला वेरिएबल प्लस नंबर 2 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया है सेमी कॉलन। अब यहाँ पर सम के अंदर नंबर 1 की जगह क्या आएगा 5, प्लस नंबर 2 की जगह आएगा 10। मतलब कि कंप्यूटर को खुद ही पता चल जाएगा कि इस नंबर 1 का मतलब 5 है और नंबर 2 का मतलब 10 है, क्योंकि हमारे नंबर 1 में 5 स्टोर है और नंबर 2 में 10 स्टोर है। और जो थर्ड वेरिएबल है सम, उसमें इन दोनों का सम मौजूद है क्योंकि इनके दरमियान में प्लस का साइन है। अब इसको हम डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, हम ये आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, सम ऑफ 5 एंड 10 इज इक्वल टू 15। तो आपको पता है जो भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं आप, वो एज इट इज स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। हम स्क्रीन पर चाहते हैं कि ऐसी आउटपुट आए, ठीक है। तो आपने देखना है ये सम ऑफ, तो हम ऐसे ही लिखेंगे सम ऑफ, आगे हमें 5 चाहिए और 5 किस में पड़ा हुआ है, नंबर 1 में पड़ा हुआ है, ठीक है। और 5 हमारे पास क्या है, इंटीजर है ना, तो यहाँ पे क्या यूज करना है, मॉड्यूलस डी। अब इस मॉड्यूलस डी के कॉरेस्पॉन्डिंग वो पहली वैल्यू देखेगा, पहली वैल्यू क्या है, नंबर 1। अब इस नंबर 1 में क्या पड़ा है 5, तो वो सम ऑफ मॉड्यूलस डी की जगह यहाँ पे नंबर 1 डिस्प्ले करवाएगा, यानी 5 डिस्प्ले करवाएगा। एंड एज इट इज आ गया, उसके बाद मॉड्यूलस डी अगला आया, अब वो सेकंड वैल्यू देखेगा, सेकंड क्या है, नंबर 2। अब वो देखेगा नंबर 2 में क्या पड़ा हुआ है 10, तो वो 10 यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा। इक्वल का साइन है, वो एज इट इज प्रिंट यहाँ पर शो होगा। और मॉड्यूलस डी, अब इस मॉड्यूलस डी के कॉरेस्पॉन्डिंग वो अगली वैल्यू चेक करेगा जिसमें क्या पड़ा हुआ है, सम पड़ा हुआ है, तो वो इन दोनों को ऐड करके 5 और 10 को ऐड करके यहाँ पर 15 को डिस्प्ले करवा देगा। तो ये था थ्रू वेरिएबल हम किसी भी चीज को ऐड कैसे कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर जब माइनस लिखेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालकर आप यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन भी करवा सकते हैं, और डिवाइड का साइन डालकर आप डिवीजन भी करवा सकते हैं। और अब एक चीज मैंने आपको बतानी है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में क्या फर्क है, और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, यानी बात तो दोनों की वेरिएबल की ही हो रही है। जब हम डेटा टाइप लिखते हैं, समझो मैंने यहाँ पे इंट लिखा और आगे वेरिएबल लिखा, वेरिएबल का नाम मैं ए दे देती हूँ, ठीक है, डेटा टाइप इंटीजर लिखी, वेरिएबल का नाम ए दे दिया, और यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन डाल दिया। अब मैंने इस ए को कोई भी वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब यहाँ पे मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया है। और जब भी मैं वैल्यू भी असाइन कर देती हूँ, जैसे मैंने इंट ए इज इक्वल टू 10 लिख दिया है, या खाली ए इज इक्वल टू 10 लिखा है, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। समझ आ गई है? अगर तो यहां पर आप नंबर 1 इज इक्वल टू 5, नंबर 2 इज इक्वल टू 10 डायरेक्ट करेंगे और ये ऊपर वैल्यू, ये ऊपर इसकी डाटा टाइप नहीं देंगे, तो आपने इसको डिक्लेयर नहीं करवाया, ये आपको एरर देगा कि आप इसकी पहले डाटा टाइप तो हमें बताओ, ठीक है। तो आपने सबसे पहले डिक्लेरेशन मस्ट करवानी होती है, फिर इनिशियलाइजेशन करवानी होती है, डिक्लेरेशन मस्ट होती है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेफ पर इसकी आउटपुट, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन।